आखिरकार जिस बात की आशंका थी वही हुआ। कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। हालांकि इस बात को लेकर कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर गीता कोड़ा ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही है। कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी से नाराज चल रही, इस तरह के कई। पार्टी से मैं कभी नाराज नहीं थी, पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, मैं पार्टी से कभी नाराज नहीं थी। अब व्यक्तिगत कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रही थी, जिसकी जानकारी हमने अपने नेताओं को पहले दी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ और पार्टी संगठन जो भी कार्य दे रही है हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। अभी तो ये माना जाए कि हाथ के साथ गीता बरकरार है, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग पार्टी के साथ है भाई। जनवरी के महीने में जब पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान गीता कोड़ा ने जो कुछ कहा उसे सुनिए और समझिए कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कितने साफगोई से झूठ बोल सकते हैं और कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास होता है इस झूठ बोलने में। गीता कोड़ा साफ बताने की कोशिश कर रही है पार्टी ने उन्हें बड़ा मान सम्मान दिया है, लिहाजा वो पार्टी के साथ बनी हैं और बनी रहेंगी, इस बात में कोई शक नहीं है। कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी से नाराज चल रही, इस तरह के कई। पार्टी से मैं कभी नाराज नहीं थी, पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, मैं पार्टी से कभी नाराज नहीं थी। अब व्यक्तिगत कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रही थी, जिसकी जानकारी हमने अपने नेताओं को पहले दी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ और पार्टी संगठन जो भी कार्य दे रही है हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। अभी तो ये माना जाए कि हाथ के साथ गीता बरकरार है, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग पार्टी के साथ है भाई। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ और पार्टी संगठन जो भी कार्य दे रही है हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाले दिनों में राहुल जी की एक बहुत बड़ी पदयात्रा झारखंड राज्य में होने जा रही है 8 दिनों का, तो हम लोग सभी उस की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी पूरे गोलान प्रमंडल को कवर कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए। संगठन के कारण से लगातार आप उपस्थित नहीं थे, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी से नाराज चल रही, इस तरह के कई। पार्टी से मैं कभी नाराज नहीं थी, पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, मैं पार्टी से कभी नाराज नहीं थी। अब व्यक्तिगत कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रही थी, जिसकी जानकारी हमने अपने नेताओं को पहले दी। जो अफवाहें चल रही उसको नहीं, नहीं इसको लेके कोई संशय बरकरार नहीं है, मगर गठबंधन है। आप सभी जानते हैं कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन है, तो उसके तहत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आती है, तो जो भी शेयरिंग होगी वो इंडिया गठबंधन के तहत होगी और उसके तहत ही गीता कोड़ा। आपकी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, दावेदारी में यहाँ पर जेएमएम वहाँ पर सवाल उठा रहा है कि हमारे ज्यादा विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के कम विधायक हैं। जेएमएम ने भी 2019 में गठबंधन के तहत ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो ये गठबंधन जब भी होगा ये गठबंधन के तहत ही होगा। मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन है, उसके तहत ही सारी चीजें तय होंगी, तो गीता कोड़ा अकेले तय नहीं करेंगे, ना ही झारखंड वहाँ पर ज्यादा है उन्हें से भी, लेकिन लोकसभा जो है वो गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिली थी और गठबंधन के तहत ही जेएमएम को भी वो सीटें विधानसभा की मिली थी, तो इसलिए जो भी तय होगा वो गठबंधन। तो ये माना जाए कि हाथ के साथ गीता बरकरार है, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग पार्टी के साथ है भाई।